आपने राजनीति में खेला हो बे खेला होगा जैसे शब्द जरूर सुना होगा। अब तो चुनाव से पहले ये शब्द काफी ज्यादा ट्रेंड भी करने लगा है। इस बीच बिहार में इस तरह के शब्द खूब सुनाई दे रहे हैं। चाय की टपरी से लेकर गली मोहल्ला तक बस यही शब्द गूंज रहा है कि खेला होगा। दरअसल जनादेश के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त को हॉर्स ट्रेंडिंग कहा जाता है। इसी अपमानजनक शब्द को बिहार की राजनीति में इन दिनों खेला होगा खेल होगा जैसे शब्दों के रूप में सम्मान से बोला जा रहा है। सीधे शब्दों में बोला जाए तो बाकायदा बिहार में विधायक बिक रहे हैं। बस 12 फरवरी को दो ही बातें पता चलेगी, पहला कि इन्हें किसने खरीदा और दूसरा बिका तो कीमत क्या मिली। बता दें कि सोमवार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले शनिवार रविवार का दिन भारी अहम होने वाला है। खरीद बिक्री हुई या नहीं, 12 फरवरी को विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के बहुमत परीक्षण के साथ ये पता साफ हो जाएगा। अगर राजग के पास भारतीय जनता पार्टी के 78, जनता दल यूनाइटेड के 45, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के 4 और एक निर्दलीय विधायक मिलाकर 128 विधायक पूरे हुए तो कांग्रेस का ये दावा खारिज हो जाएगा कि भाजपा उसके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही थी। अगर जेडीयू के 45 विधायक सदन में सत्ता का समर्थन करते नजर आए तो लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल की मौज खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के टूट को लेकर मुझ पर हमेशा से ताव दिखाती रही है। इसके साथ ही जेडीयू की चिंता भी दूर होगी। इस मामले में सबसे ज्यादा मौज में भाजपा ही लग रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणाम का अंदाजा लगाने वाला कोई विधायक शायद ही फिलहाल उसका साथ छोड़ने का जोखिम उठाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाजपा मौज में अपनी है। वहीं खेला होगा, विपक्षी खेमे में इसके उम्मीद जगाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को संदेश मिल गया है और अब वह अपने ही जलाए दिए की लौ को बंद करने में जुट गए हैं। उन्हें अंदाजा है कि शून्य विधायक वाले नेता उन्हें मुख्यमंत्री बना नहीं सकते हैं और विधानसभा में 79 सदस्यों वाली पार्टी अपना सपना तोड़कर 4 MLA वाले उनके दल को CM का प्रस्ताव कभी नहीं देगी। डबल इंजन से उन्हें अपनी क्या गति मिलेगी, यह संदेश पहुंच चुका है। वैसे मांझी के बहाने ही राजद ने खेला की चर्चा गर्म की। उस गर्म कढ़ाई में कांग्रेस ने भी घी डाल देकर ऑफर दिया। वैसे यह भी सब ठंडे बस्ते में चली गई है। खेला होगा सत्ता खेमे में इसकी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जरूर है। तैयारी भी राजद कांग्रेस को देखकर ही है। राजग ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के सहारे गेम पलटने की तैयारी रखी है। उधर कांग्रेस ने भाजपा के हाथों अपने विधायकों के बिकने का डर दिखाते हुए उन्हें हैदराबाद में रख छोड़ा है। फ्लोर टेस्ट से पहले दो दिन में भाजपा विधायकों को गया में जुटाकर हो रही वर्चुअल ट्रेनिंग और जेडीयू के अपने मंत्रियों के घर पार्टी बैठक को भी खरीद फरोख्त से बचाने की जुगत में कहा जा रहा है। राजद तो पहले से ही बार बार बिकवाने वाली रोकने के लिए परेड की बात कर रही है, मतलब बिहार के हैदराबाद तक विधायकों की बिकने की चर्चा खूब चल रही है और बिहार के हर गली मोहल्ले हर चाय की टपरी पर बस यही चर्चा है कि फ्लोर टेस्ट में किसकी सरकार बनेगी, बिहार में नीतीश कुमार फिर से कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे या फिर कोई बड़ा खेला होगा, ये चर्चा खूब चल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।